हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से। मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। ये फ्रेंड मेरा बालकनी गार्डन है। देखो, मैंने गर्मी से बचाने के लिए अपने छोटे छोटे पौधों को किस तरह से लगा रखा है वही दिखाऊंगी मैं आपको। ये मैंने हैंग कर रखे हैं मनी प्लांट, क्योंकि मनी प्लांट धूप में ख़राब हो जाता है, तो मेरे छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं, तो मैंने इसी पे हैंग कर रखा है। फ्रेंड, ये चिड़िया का जो घोंसला है, ये मुझे इंग्लिश में इसका नाम तो नहीं पता, पर मेरे को हिंदी में ही पता है, तो मैं वही बताऊंगी कि इसको हम मॉल खरीद के लाए थे। ये बॉल भी ऐसी पड़ी थी, तो ये भी मैंने इसी पे लगा दी। ये 9 क्लॉक, ये भी इसी पे हैंग कर दिया मैंने। और फ्रेंड, इधर छाया आ जाती है 12 बजे के आसपास, घूमती है जब धूप, तो इस तरफ कुछ छाया है, तो ये पौधे मैंने इस तरफ लगा दिए, कोलियस वगैरह, क्योंकि कोलियस धूप में ख़राब हो जाता है। तो देखो, ये इस तरह से लगा रखे हैं। ये भी कितने अच्छे फूल का कलर है, चाइनीज़ का प्लांट है वो। इसकी मैंने कटिंग मम्मी को दी थी काट के, तो अब ये भी फिर न्यू न्यू पत्ती आने लगी हैं। ये मैंने पानी में ग्रो कर रखा है। ये फ्रेंड, जब मैं इसको ठीक कर रही थी यहाँ पे, जब ये मैंने लगाया था इसके लिए, तब ये बड़ा गमला डिफिनवेचिया का गिर गया था प्लांट के ऊपर, कोलियस के, तो बहुत सारा कोलियस मेरा टूट गया था, तो ये मैंने पानी में लगा रखा है। कुछ रेत में भी लगा रखे हैं मैंने 2-3 कोलियस, ये भी रेत का ही है जो घर बनाने के काम आता है। ये स्पाइडर प्लांट, और फ्रेंड मुझे छोटे छोटे पॉट में लगाना बहुत पसंद है। छोटे पॉट में इसलिए पसंद है कि हम इसको आसानी से इधर उधर उठा के रख सकते हैं, और कम जगह में हम ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। और देखो, मैंने कटिंग से इतने सारे ढेर सारे पौधे बना रखे हैं। ये भी किसी से लिया था, पता नहीं क्या नाम है इसका, ये सब मैंने कटिंग से बना रखे हैं, और फ्री के मेरे पास ढेर सारे पौधे हो गए। अब तो लगता है और बनाने का दिल तो करता है, पर रखने की जगह मुझे कम लग रही है। ये पर्पल हार्ट बन रहे हैं, जो तो फ्रेंड अपने गार्डन में हम ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं कम जगह में। ये मैंने पानी में लगा रखा है पर्पल हार्ट, अभी 8-10 दिन से मैंने इसमें से पानी बदला भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा काई काई सा लग रहा है। तो फ्रेंड, मैं कम जगह में ढेर सारे पौधे लगाना पसंद करा है मैंने, कि एक कोलियस की कटिंग लगा दी मैंने इसमें। ये सुंगूनियम, एक कोलियस, इस तरफ धूप नहीं आती है, सुबह की होती है तो मधुमालती की छाया हो जाती है, और 12 बजे के बाद जो ऊपर शेड है उसकी छाया आने लग जाती है, तो इसीलिए मैंने इस तरफ की दीवार पे लगा दिए। फ्रेंड, इस दीवार पे मैं कुछ बदलाव करना चाहती हूँ पौधों के लिए, देखती हूँ कब करती हूँ, क्योंकि मेरे अकेले की बस की तो है नहीं। ये मैंने पानी में लगा रखा है अजवाइन का, ये मिनी सुंगोनियम मैंने खुद बनाया है, ये इसमें भी पानी है। और फ्रेंड, जो मेरे ये पानी में पौधे लगे हुए हैं सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, पर्पल हार्ट का मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने पर्पल हार्ट इसमें लगा तो दिया, अंदर से ग्रो हो गया है
और ये इसमें बहुत सारा भर गया है ये, अब ये निकल नहीं पाएगा, टूट जाएगा, तो इसलिए मैं किसी दिन इसको गरम चाकू वगैरह करके तब मैं निकालूंगी। ये फ्रेंड मेरे से गलती से टूट गया, ये रखी हुई थी गुल्लक उसके ऊपर, अभी टूट गई है, तो मैं इसको अच्छी तरह से काट के सही कर रही थी, तो इसमें मैं कोई पौधे वगैरह ही लगा दूंगी। ये भी पानी में लगा रखा है, पर्पल हार्ट जेट प्लांट, कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। जेट प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इजी टू ग्रो प्लांट है ये। इसी तरह से फ्रेंड मैंने बहुत सारे पौधे कर रखे हैं, तो आज मैं सोच रही थी कि आपको मैं पूरा अपना यहाँ के पौधे दिखा देती हूँ कि कैसे चल रहे हैं। फ्रेंड ये मैंने फ्री का स्टैंड बनाया पौधों के लिए, ये सारा कुछ मेरे पास ऐसे ही पड़ा था। ये पाइप होती है जो यूज करते हैं, तो वो पड़ी हुई थी बहुत दिन से, तो ये मैंने गमले में लगा दी सीमेंट भर के। फ्रेंड कुछ करते टाइम मेरे से वीडियो नहीं बन पाती है क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है ना, तो अभी तो करके ही मैं दिखा पाती हूँ आपको। ये मधुमालती पर देखो कितने अच्छे फूल आने लगे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ इसके पास ये बैठा हुआ था, तो मैंने इसकी भी वीडियो में ले लिया। इसे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे इसका पता नहीं है क्या बोलते हैं, ये क्रोटोन। फ्रेंड मैं वेस्ट मटेरियल को इसी तरह से यूज करती हूँ। ये देखो मनी प्लांट लगा रखा है मैंने इसमें, तो फ्रेंड मैं दिखा रही हूँ कि मेरे पौधे कैसे चल रहे हैं। ये मेरा छोटा सा टमाटर का पौधा है, और इस पे टमाटर आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे छोटे से प्लांट पे देखो टमाटर आ रहे हैं। ये वेंडरिंग जू, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया, पॉलीबैग में लगा हुआ है। ये मॉस्टेरा, ये भी फ्रेंड मेरे पास 7-8 प्लांट हो गए। ये फ्रेंड ये बेल हमारे पीछे उसमें लगी हुई थी बालकोनी में, पीछे टप में लगा रखी थी, 7 वाला घर बना था तो ये काट दिया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उसी कटिंग मैंने लगा दी, तो बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। तो फ्रेंड मेरे पौधे देखो इसी तरह से कितने अच्छे चल रहे हैं, और ये रंग बिरंगे पत्ते होते हैं, तो ये हमारे गार्डन में फूलों की कमी को पूरा कर देते हैं। 1000 मदर प्लांट मेरे पास बहुत सारे हो गए। इस वाले पौधे को भी मैं अलग कर दूंगी क्योंकि मेरे पास 3 तो टेरिस पे हैं, एक ये लग रहा है, अभी मैंने 2 और देखे पर वो बहुत छोटे छोटे हैं। ये अडेनियम का देखो कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। तो फ्रेंड मेरे पौधे अब बस बचाना ये है कि इस तरफ को कोई शेड वगैरह भी नहीं है, कोई पौधे इतने बड़े नहीं हैं जो कि इन पौधों को बचाए, बस मोस्टेरा को उठा पाऊंगी मैं यहाँ से, मोस्टेरा मेरा बहुत अच्छा प्लांट है। पिटूरिया वाइट कलर का, अपराजिता सदाबहार, ये फ्रेंड बस इसी तरह से लगा रखे हैं। फ्रेंड मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना।